नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। आज राजधानी में बिहार नेत्रहीन परिषद का 20वां द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने उसका उद्घाटन किया, तो वहीं महासचिव एनके शर्मा ने नेत्रहीनों के समस्याओं और जरूरतमंद चीजों का सूची सबके सामने रखा। और क्या कहते नजर आए महासचिव एनके शर्मा, पहले आप वो सुनिए। मैं परिषद के जो कार्यकलाप है उसकी संक्षिप्त गतिविधियां मैं बताने जा रहा हूं। हम सभी दृष्टि दिव्यांगों के लिए वर्षों से कार्य करते रहे हैं और नेत्रहीन सहित दिव्यांगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाते रहे हैं। यह हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम लोग यह समारोह माध्यमिक शिक्षक संघ सभागार में जवान रोड पटना में कर रहे हैं। आप सभी को मुझे यह बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि परिषद की स्थापना 1981 ईस्वी में फरवरी माह में हुई थी, तभी से हम नेत्रहीन सहित सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए काफी प्रयत्न करते रहे हैं। उक्त कार्यों में हमें बहुत सफलता भी मिली है, किंतु अभी बहुत कुछ करना हम लोगों के लिए शेष है क्योंकि साधन हम लोगों के पास काफी सीमित है। परिषद नेत्रहीन समुदाय के उत्थान के लिए कई परियोजनाएं संचालित कर रही है, जैसे नेत्रहीनों से संबंधित ब्रेल इक्विपमेंट बैंक। इसके अंतर्गत हम लोग कार्डबोर्ड पेपर, ब्रेल स्लेट, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट यानी टाइप बोर्ड, अपनी भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं चेस, बैट बॉल, फोल्डिंग स्टिक आदि चीजें इस प्रोजेक्ट में हम लोग बी शॉर्ट होते हैं ब्रेल इक्विपमेंट बैंक, इसके द्वारा उपलब्ध कराते हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आए एनके शर्मा। और महासचिव एनके शर्मा ने यह भी कहा कि उनकी जरूरतमंद चीजें और भी जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं वो जल्द ही सरकार दिलाएगी, इसका आश्वासन वो दिलाते हुए नजर आए। तो इस खबर में बस इतना ही। अब आगे बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।